हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। हम जब कभी स्टारों को देखते हैं तो हम उनकी सिर्फ चमक देखते हैं और उसी चमक को जो है हम अपनाना चाहते हैं, या ये कहें कि वो चमक को देखकर ही हमारे मन में ख्याल आता है क्यों ना हमें भी जो है एंटरटेनमेंट की दुनिया में हाथ आजमाना चाहिए, क्योंकि हम देखने में भी सुंदर लगते हैं, हमारे अंदर टैलेंट भी है, तो क्यों ना हमें जो है ट्राई करना चाहिए। और मेरे से तो अंदर से एक्टिंग कूट कूट के भरी है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो आज सितारे सोशल मीडिया में छाए हुए हैं, मीडिया का पूरा कैमरा उन्हीं पर ही रहता है। ऐसे में जो है हर कोई उनके जैसा बनना चाहता है, लेकिन ये नहीं जानते कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल करके जो है वहाँ पहुँचे हैं, जब जाके आपके दिल में जगह बनी है। या हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने ना जाने गरीबी का कौन सा चेहरा देखा है। गरीबी के कई चेहरे होते हैं, कोई गरीबी में टूट जाता है और कोई गरीबी में निखर जाता है। तो ये वही सितारे हैं जो गरीबी से निखर कर अपने दम पर ऊंचाइयों को हासिल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपकी प्यारी प्रियंका चौधरी की, जिन्हें आप उड़ारियन जैसे शो में देखा और बहुत प्यार दिया। बिग बॉस में आते ही इनकी पोजीशन में चार चांद लग गए, या कहें कि ये एक्टिंग में नंबर वन पर कहलाती हैं टीवी इंडस्ट्री में। ऐसे में जो है इन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, और मैडम की अगर इंडस्ट्री में आने से पहले की सिचुएशन देखो तो इन्होंने बचपन से गरीबी को काफ़ी करीबी से देखा है। फिर आते हैं आपके प्यारे से जेठालाल के, जानते ही हैं आप इन्हें भाई। जैसे इनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन अपनी रियल लाइफ में इन मिस्टर की शादी हो गई है और ये काफ़ी खुश भी हैं। ऐसे में इन्होंने बताया, शुरुआती दिनों में मैंने बहुत मेहनत की थी। आपके प्यारे श्याम पाठक ने जो है शुरुआती में बहुत मेहनत की और आज जो है सफलता इनके कदम चूम रही है। ऐसे में आज ये एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। फिर आते हैं आपके प्यारे से शिव ठाकरे भाई। इन्होंने गरीबी को बहुत करीबी से देखा है और कहें कि ये जो है इसीलिए हर किसी की मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उसी के बीच में बिग बॉस में आते ही इनकी किस्मत पलट गई, या कहें कि बिग बॉस में आते ही गरीबी से ये बहुत दूर हट गए, आज काफ़ी अच्छी लाइफ जीते हैं। फिर आते हैं आपके प्यारे आमसी स्टैन, इन्हें कह सकते हैं कि ये धरती से पड़े आसमान को छुआ है इन्होंने भाई। इनके फैंस फॉलोवर की पावर देखकर ही इन्हें बिग बॉस का विनर बनाया गया था। ऐसे में ये एक यूट्यूबर थे, या कहें कि एमसी स्टैन का रैपर सुनकर हर कोई जो है झूम उठता है। ऐसे में जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों को छुआ है। फिर आती हैं आपकी नेहा कक्कर भाई, इन्होंने इंडियन आइडल में अपनी जो है आप बीती कहानी भी सुनाई हुई है, जहाँ पे इन्होंने बताया था कि पैसों की इतनी ज़रूरत होती थी कि इन्हें रात को जागरण में गाना गाना पड़ता था, कीर्तनों में गाना गाती थी और सिर्फ कुछ पैसे ही मिलते थे। माता रानी पे काफ़ी चढ़ाया जाता था, लेकिन हमें जो मिलता था बहुत कम होता था, हम उसमें भी सोचते थे चलिए बचा लेते हैं। तो इन्होंने तो बहुत कह सकते हैं वैसी लाइफ देखी और अपने इंडियन आइडल में अपनी आप बीती बताई, और आज ये लग्जरी लाइफ जी रही हैं। फिर आते हैं आपके कपिल शर्मा भाई। कपिल शर्मा ने शुरू से ही गरीबी देखी है, या कहें कि इन्होंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है। इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है कि कह सकते हैं कि आज ये इस मुकाम तक पहुँचे हैं। इनका कहना है कि जो भी मैं पहुँचा हूँ काफ़ी मेहनत से पहुँचा हूँ, और मेहनत इनकी रंग भी लाई है। कह सकते हैं कि आज ये बड़े बड़े सितारों में बैठते उठते हैं। फिर आती हैं आपके सुम्बुल भाई, इन्होंने बहुत ही गरीबी देखी है बचपन से, और कह सकते हैं अपने दम पर इन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, यहाँ तक कि मकान गाड़ी सब कुछ हासिल किया है।
और ऐसे में दिन पे दिन तरक्की की लाइन पर ही चल रही हैं। इतनी छोटी उम्र में इन्होंने गरीबी भी देखी और कह सकते हैं सक्सेस भी प्राप्त की है। बात करते हैं आपकी नेक्स्ट भारती। भाई भारती ने शुरुआती दिनों में बहुत कुछ सहा, कह सकते हैं गरीबी को भी सहा, दुनिया के ताने भी सहे। आज जो है उनका कहना है कि मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उनकी मेहनत रंग लाई और अब उन्हें हर कोई जो है जानता है कॉमेडी के नाम पर। तो ये सितारे हैं जो सोशल मीडिया में कह सकते हैं कि अपने दम पर इन्होंने जो है जमी से आसमान को हासिल किया है। इनमें से आपके फेवरेट स्टार कौन सा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।